उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बारी टिकट बांटने की है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं को टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। सूत्रों की माने तो योगी शासन के दौरान बेइज्जती, रेप और प्रताड़ना की शिकार हुई महिलाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। इन महिलाओं और उनके करीबी रिश्तेदारों को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। इनमें उन्नाव और हाथरस रेप विक्टिम भी शामिल हैं। प्रियंका ने एक बड़े टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में भी इस ओर इशारा किया था कि लड़ने वाली लड़की को पार्टी टिकट देगी। उन्होंने कहा था, हमारी लिस्ट में ऐसी महिलाएं हैं जो खड़ा होना चाहती हैं अपने लिए, जो लड़ना चाहती हैं जिन पर अत्याचार हुआ है। हम कह रहे हैं, अगर आपके साथ किसी विधायक ने अत्याचार किया है तो हम आपको टिकट देंगे। आप चुनाव लड़ो, विधायक बनो, सत्ता अपने हाथ में लो और लड़ो। इस बयान के दौरान प्रियंका का इशारा उन्नाव की गैंगरेप पीड़ित की ओर था, जिसने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर पर गैंगरेप और अपहरण का आरोप लगाया था। सूत्रों की माने तो पार्टी ने चर्चित मामलों की केस स्टडी तैयार की है। इसके बाद पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए राजी करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद टिकट देने का फैसला किया जाएगा। चार चेहरे को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। सबसे पहली लिस्ट में लखीमपुर खीरी के पसगवा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दौरान सपा प्रत्याशी रितु सिंह की साड़ी खींची गई थी। रितु कांग्रेस में शामिल हो गई है और पार्टी अब इनके विधायक का टिकट देने की तैयारी कर चुकी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में सीएम योगी ने ब्लॉक के थाना के सीईओ एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। इस मामले में जिस आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके भाजपा के साथ कनेक्शन की बात सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया था। युवक भाजपा की सांसद रेखा वर्मा का रिश्तेदार है। रेखा वर्मा यूपी की धौरहारा सीट से बीजेपी सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।